महाराष्ट्र के ठाणे में लिव इन पार्टनर को मौत की घाट उतारने वाले मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। महाराष्ट्र के ठाणे में लिव इन पार्टनर को मौत की घाट उतारने वाले 56 साल के आरोपी मनोज साने ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने चौंकाने वाला बयान दिया है। आरोपी साने द्वारा खुलासा किया गया कि वो लाइलाज बीमारी एड्स से ग्रसित है। इस कारण उसका पीड़िता सरस्वती वैद्य के साथ किसी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं था और वो वैद्य को अपनी बेटी के समान मानता था। समाचार वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 32 साल की वैद्य की हत्या के बाद जब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट से मनोज साने को गिरफ्तार किया तो उसने सरस्वती को अपना लिव इन पार्टनर मानने की बजाय बेटी समान बताना शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो उसने पूछताछ में सरस्वती की हत्या के आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि सरस्वती वैद्य की हत्या नहीं हुई बल्कि उसने बीते 3 जून को आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ ही मनोज साने ने कहा सरस्वती की कथित आत्महत्या के बाद उसे डर लगा कि वो पुलिस के झमेले में फंस सकता है, इस कारण उसने सरस्वती की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी मनोज ने शुरुआती पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा किया कि साल 2008 में उसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ठाणे के मीरा रोड स्थित मनोज साने के फ्लैट से एक लकड़ी काटने वाला इलेक्ट्रिक कटर भी बरामद किया। मालूम हो कि मनोज साने पर आरोप है कि उसने ठाणे में मीरा भाईंदर इलाके में एक इमारत की 7वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से लिव इन पार्टनर के तौर पर साथ रहने वाली सरस्वती वैद्य की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि मनोज ने वैद्य के शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें कुकर में उबाला। साने और वैद्य पिछले 3 साल से उसी फ्लैट में साथ रह रहे थे। पुलिस को शक है कि सरस्वती वैद्य के शरीर के कुछ टुकड़ों को मिक्सर में पीसकर प्रेशर कुकर में उबाला गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।